वेलकम बैक टू माई चैनल रीना वुमेन ब्यूटी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मैजिकल ड्रिंक की रेमेडी। इस ड्रिंक को पीने से आपके जितना भी टमी पे जो बेली फैट होता है ना, ये उसको कम करता है। आपके स्टमक पे, आपकी थाइस पे, आपके हिप एरिया पे जितना भी जो एक्सेस फैट है जो बहुत हार्ड फॉर्म में होता है, ये उसको आराम से धीरे धीरे सॉफ्ट करके और उसको मेल्ट करना शुरू कर देगा, बिल्कुल मक्खन की तरह। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो ये आपके वेट लूज में आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और वेट रिडक्शन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप इस ड्रिंक को कंटिन्यू करते हैं ना एक वीक तक, तो आप एक वीक में आराम से 1 से 2 किलो तक सिर्फ इस ड्रिंक को पीने से ही आप अपना वेट जो है लूज़ कर देंगे। और इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, घर के इंग्रेडिएंट हैं सारे। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने इस ड्रिंक को कैसे प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले हम पैन में पानी गर्म होने के लिए रखेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑफ जीरा। इसको हमें अच्छे से बॉईल करना है जब तक इसके पानी का कलर चेंज ना हो जाए। और ये जो 2 ग्लास पानी हमने इसमें रखा है ये अपनी क्वांटिटी का हाफ ना रह जाए। मीनवाइल मैं यहाँ पर अदरक का एक टुकड़ा लिया है, मैं इसको क्रश कर रही हूँ। बिकॉज़ हमें इसके लिए 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर जूस की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अंदर एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लस जिंजर हमारी बॉडी के अंदर फैट कटर और फैट बर्नर का काम भी करता है। तो अब हम अपने पानी को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी जो पानी है ये अपनी क्वांटिटी का हाफ रह चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे एक ग्लास के अंदर छान लेंगे। अब मैं इसमें आधा नींबू जो है उसको अच्छे से इसके अंदर स्क्वीज़ करूँगी। बिकॉज़ ये नॉर्मल साइज़ का नींबू है तो इसलिए मैंने हाफ लिया है। अब यहाँ पे जो हमने जिंजर को क्रश करके रखा था, अब मैं इसको अच्छे से इसमें स्क्वीज़ कर लूँगी बिकॉज़ इसमें हमें 1 टेबल स्पून जिंजर का जूस चाहिए। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। मैंने पतंजलि का लिया है, आपको जो भी बेटर लगता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अब हमारी टी जो है ये बनकर रेडी हो चुकी है। हमेशा याद रखिए इसको आपको हमेशा सिप करके पीना है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिए, हमेशा इसको आपको बैठ के ही लेना है, खड़े होके कभी भी नहीं पीना है। बिकॉज़ आपकी जो नीज़ का जो ग्रीस होता है ना जब भी आप पानी पीते हैं खड़े होके, तो वो काटना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर हमने लेमन डाला है, जिंजर डाला है और इसके अलावा इसमें हनी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो ये इसको भी ख़त्म कर देगा। तो गाइज़ ये था मेरा आज का कंप्लीट वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप ऑन माई वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।